हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग एम्ब्रियोलॉजी यानी कि रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के फोर्थ एपिसोड में हैं और ये हमारा 60 नंबर का है। और हम लोग एज यूजुअल, मैं गणेश चौहान, मैं डॉक्टर पीएल सैनी, आप लोगों के लिए कुछ नए क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो बेसिकली हमारा जो सेगमेंट है वो है आपके आफ्टर फर्टिलाइजेशन वाला सेगमेंट, क्योंकि एम्ब्रियोलॉजी को तीन सेगमेंट में डिफरेंशिएट किया गया है, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो इसमें ज्यादातर जो डिस्कशन होगा मेजोरिटी में वो है आपके पोस्ट रिप्रोडक्शन वाले जो सेगमेंट है फ्लावरिंग प्लांट में उसका। जी, तो इसका सर फर्स्ट क्वेश्चन है जी, कोलियोपेटल एंड कोलियोराइजा आर फाउंड इन, तो ये इनडायरेक्ट वे में सर इस तरीके से पूछा है कि यहाँ इन्होंने नाम दे रखे हैं प्लांट्स के जी जी, और जी, ये दे रखा है कोलियोपेटल कोलियोराइजा, इट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोकॉट। मोनोकॉट, तो इसमें हमको मोनोकॉट की आइडेंटिफिकेशन करना है। तो कैस्टर इसके बाद में पी प्लांट है, इसके बाद में बीन है, और अबाउट 3 आर डाइकोट्स। बिल्कुल। So, और ग्रास फैमिली में यानी कि अपना जो घास है और दूसरे अपना गेहूं है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, उसमें जो एम्ब्रियो होता है उसमें कोलियोपेटल जो है स्टेम की प्रोटेक्टिव लेयर है और कोलियोराइजा रेडिकल का रूट का हिस्से भी पाया जाता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पर ये चार सर टर्म्स बड़े ही इम्पोर्टेंट जो बार बार एग्जाम में क्वेश्चन दे रहे हैं जी। एक स्कुटेलम है, कोलियोपेटल है, कोलियोराइजा है जी, और एपिब्लास्ट जी। एपिब्लास्ट अभी रिसेंटली पीएमटी में पूछा भी क्वेश्चन आया है, बिल्कुल आया है ना, बिल्कुल है। तो इस तरीके से इसमें सर मैं चाहूंगा कि आप इसका एक बार डायग्राम जो है ना। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। तो वैसे तो देखा जाए तो ये एक सपोज एक मोनोकॉट कोई सीड है, तो इसमें इस हिस्से में यहाँ पर इसकी लोकेशन होती है कुछ इस तरीके से, और इसमें यहाँ रूट कैप है, यहाँ ये पॉलियोराइजा रीजन है और इसी में हमें एपिकोटाइल रीजन नज़र आता है। तो इसका जो बेसिक जो डायग्राम है वो कुछ इस तरीके का है। ये इसकी स्क्वेटलम रीजन कहलाता है जी 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 जी, है ना सर। ये सर ने जो अभी ड्रॉ किया ये है आपके पास एम्ब्रियोनल एक्सिस ऑफ मोनोकॉट, आप इसको एम्ब्रियो बोल सकते हैं, मोनोकॉट का एम्ब्रियो है ये, उसका पार्ट है। हाँ, तो मेरा ऐसा मानना है कि आप सबको ये चीजें आना चाहिए। ये तो है सर स्कुटेलम जी, ये स्कुटेलम स्ट्रक्चर है, ये इसका क्लियोपेटाइल हो गया, कोलियोपेटाइल है, और ये इसका रीजन है एपिब्लास्ट रीजन जो कि हम लोग डीजनरेटिंग सेकंड कोटिलेडन बोल सकते हैं। हाँ, ये हमें इंडिकेट करता है कि डाइकॉट से ही मोनोकॉट का ओरिजिन हुआ है, और ये यहाँ पर है सर अपना कोलियो राइजा, कोलियोराइजा प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ रूट, कोलियोपेटल इज प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ शूट जी, एंड दिस इज सिंगल कॉटिलेडन नॉन आल्सो नोन एज स्कुटेलम रीजन, है ना। इसमें रिजर्व फूड भी पाया जाता है, और इसके लिए सब यूज किया है कि स्कुटेलम अरेंज्ड ऑन लेटरल साइड जी इन द फॉर्म ऑफ सीड लाइक स्ट्रक्चर एंड रिप्रेजेंट रिजर्व फूड ऑफ एम्ब्रियो। इसी के साथ इसमें एक क्वेश्चन भी और पूछा जाता है कि ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन इन मोनोकॉट फर्स्ट टाइम मतलब ना फूड किसका जो है कंज्यूम होगा, तो उसके लिए भी हमारे जैसे कि जो आंसर ने बताया स्कुटेलम फर्स्ट टाइम फूड प्रोवाइड करो। बिल्कुल सर, बिल्कुल, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन। उसके बाद में सर यहाँ जो एंडोस्पर्म है उसका यूज बाद में आता है, बाद में आता है, पहले स्कुटेलम फूड प्रोवाइड करता है। बहुत बढ़िया, मतलब सर ने यहाँ इन्फॉर्मेशन आपको दी है कि अगर मोनोकॉट अगर सीड जर्मिनेशन चल रहा है तो ऑब्वियसली पहले जो इनिशियल स्टेज पर न्यूट्रिशन देगा सर वो स्कुटेलम देगा, लेकिन उसके बाद में जो न्यूट्रिशन की सप्लाई जाएगी वो एंडोस्पर्म से स्टार्ट हो जाएगी। बहुत बढ़िया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन एल्बुमिनस सीड्स आर फाउंड इन,
यहाँ सीड की इंफॉर्मेशन है, एल्बुमिनस एंड नॉन एल्बुमिनस। सर इसको अपन दूसरे टर्म भी यूज करते हैं, एल्बुमिनस सीड्स आर आल्सो नोन एज एंडोस्पर्मिक सीड व्हाइल द नॉन एल्बुमिनस आल्सो कॉल्ड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, है ना। तो इसके लिए सर सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है वो यही है कि मॉर्फोलॉजी के अंदर जी जो चार फैमिलीज यूज हुए हैं उनमें दो फैमिली के अंदर एंडोस्पर्मिक सीड है, लिलीसी एंड सोलानेसी। बिल्कुल, तो एक बार आप लोग इस चीज को जरूर याद रखना कि फैमिली है फावेसी, फावेसी के अंदर जो सीड है वो नॉन एंडोस्पर्मिक है, नॉन एंडोस्पर्मिक स्पर्मिक। और ऐसे ही एक ब्रेसिकेसी आप फैमिली पढ़ेंगे जी, उसमें भी हमें यही कंडीशन मिलनी है, ये है ना, नॉन एंडोस्पर्मिक इसमें इन दोनों में मिलेंगे। उसके बाद में आपने सोलेनेसी जी एंड लिलियसी, इनके अंदर और ज्यादातर हमें ग्रेमिनी फैमिली जी एंडोस्पर्मिक सीड में, हाँ ग्रेमिनी फैमिली में भी हमें एंडोस्पर्मिक सीड ही मिलेंगे जी। एंडोस्पर्मिक को ही हम एल्बुमिनस सीड भी कहते हैं। बिल्कुल, तो ये सब पांच फैमिली मेरे अकॉर्डिंग ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, याद भी रखनी है। और इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर आ भी जाते हैं, कुछ एग्जांपल्स देकर भी पूछ लेते हैं कि कितने में ये जो है एंडोस्पर्मिक या नॉन एंडोस्पर्मिक सीड प्रेजेंट जी। सो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा डाइकोट्स, थर्ड आंसर चला जाता है। आंसर मींस डाइकॉट, ये इसमें एंडोस्पर्मिक हो जाएंगे मतलब एल्बुमिनस हो जाएंगे, इसमें भी एल्बुमिनस है, इसमें भी एल्बुमिनस है, बट इसमें एक्स एल्बुमिनस हो, इसमें एक्स एल्बुमिनस कह दो या नॉन एल्बुमिनस कह दो या अपन नॉन एंडोस्पर्मिक कह दो, हां तो ये नॉन एंडोस्पर्मिक। बिल्कुल सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज फ्रूट प्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन कॉल्ड। तो फ्रूट का जब विदाउट फर्टिलाइजेशन फॉर्मेशन होता है तो ऑब्वियसली उसे हम पार्थिनो कार्पी के नाम से, फ्रूट के लिए कार्पी और एम्ब्रियो के लिए जेनेसिस वर्ड यूज करते हैं। बिल्कुल, पार्थिनो जेनेसिस मीन्स एम्ब्रियो फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन एंड फ्रूट फॉर्मेशन मीन्स विदाउट फर्टिलाइजेशन पार्थिनो कार्पी। सर वैसे यहाँ पर एक चीज और डिस्कशन की जा सकती है जो मैंने अपने हायर क्लास में सर पढ़े थे कि यहाँ जो विदाउट फर्टिलाइजेशन टर्म यूज हो रहा है तो इसका मतलब है कि वास्तव में देखा जाए तो फ्रूट बनाया ही इसलिए जा रहा है जिससे कि सीड डिस्पर्सल की प्रोसेस कंप्लीट हो। बिल्कुल, अब यहाँ फर्टिलाइजेशन हो नहीं रहा है तो मतलब सीड बन ही नहीं रहा जी, तो देखा जाए तो बेसिकली फ्रूट फॉर्मेशन की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है जी भाई, नेचुरल तरीके से देखा जाए तो एंजियोस्पर्म ने फ्रूट बनाया ही इसलिए था जिससे वाइड मतलब ना डिस्पर्सन हो सके, एसिड डिस्पर्सल हो सके जी। अब सीड आप बना नहीं रहे हो क्योंकि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस ही नहीं हो रही जी, तो सर यहाँ कोई ऐसा कनेक्शन है कि नेचुरल फॉर्म में सीड में जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है यानी कि एम्ब्रियो सैक में फर्टिलाइजेशन हो रहा है उसी टाइम कोई इंड्यूसर इफेक्ट ओवरी वॉल पर भी जाता है जी। बिल्कुल, वो ऑक्सिन की वजह से। दरअसल हम लोग ये मानते हैं, तो आंसर में बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है और ये सेकंड क्वेश्चन है आपके पास जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए जनरली क्या होता है, इस ओवरी को, ये आपके पास ओवरी हो गई, ये स्टिग्मा, अब ओवरी के पास ऑक्सिन लेवल लो होता है ठीक है, इसलिए इसका डेवलपमेंट नहीं हो सकता। तो अब क्या होगा, पोलन ग्रेन यहाँ पहुंच गया, अब इसी पोलन ग्रेन जर्मिनेट होता है कि नहीं होता, पोलन ट्यूब ओव्यूल तक पहुंचती है नहीं पहुंचती सेकेंडरी मैटर, बट इसमें से इस पोलन ग्रेन के पास जो ऑक्सिन था वो इसमें डिफ्यूज हो चुका है, और वो जैसे ही डिफ्यूज हो जाता है ओवरी अपना फूड स्टोर करना स्टार्ट कर देती है, उसे मतलब नहीं है कि होना है या नहीं होना, मतलब एम्ब्रियो फॉर्मेशन होनी है या नहीं होनी, वो अपनी प्रिपरेशन तैयार कर लेती है और ये फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो आंसर इसके अगेंस्ट एक क्वेश्चन और पूछा जाता है और वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज एसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट। तो पोलिनेशन जरूरी है, चाहे उसमें फर्टिलाइजेशन हो रहा हो चाहे नहीं हो। हाँ,
अच्छा सर, तो ये पोलन वेन क्या करता है, उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। अच्छा, अब हमने इस मैटर को और पार्थेनोकार्पी में, मतलब आर्टिफिशियल पार्थेनोकार्पी में हमने इसी मैटर को यूज किया। बिल्कुल, हमने क्या किया, पोलन वेन यहाँ नहीं पहुंच रहा, तो हमने इस पे ऑक्सीजन स्प्रे कर दिया, स्प्रे कर दिया आर्टिफिशियल स्प्रे, आर्टिफिशियल, तो इसका फंक्शन बढ़ गया, ये अपना फूड स्टोर करना शुरू कर देगा। बिल्कुल, बहुत सही बात सर ने बोली है कि देखो मैं यही चाहता था कि सर आपको डिस्कस करके ये चीज एक्सप्लेन करें। एक्चुअली क्या होता है कि पार्थिनोकार्पिक में हम कुछ ग्रोथ हार्मोन्स यूज करते हैं, खासतौर से ऑक्सिन, है ना। ऑक्सिन को जब फ्लावरिंग हो रही होती है उसी टाइम हम एक्सटर्नली इंड्यूस कर देते हैं, उसको स्प्रे कर देते हैं। तो एक्चुअली जो फ्लावर है, अपन देखें तो फ्लावर पर ये एक कार्पल है, ये इसका थैलेमस है, ये इसके स्टेमेंस रीजन है, और ऑब्वियसली हम जानते हैं कि दे आर पेट्रल रीजन एंड दिस इज कैलिक्स रीजन। तो ऑक्सिन का स्प्रे यहां से सर कर देते हैं अपन, इसका मतलब ये हुआ जी, जी। तो इसका मतलब ये होगा कि ऑक्सिन का जो जो स्प्रे हो रहा है वो कार्पल की एक्सटर्नल सरफेस पर होगा जी, वो डिफ्यूज हो जाएगा। हाँ, तो एक्सटर्नल सरफेस पर हम आर्टिफिशियली ऑक्सिन को स्प्रे कर देते हैं, तो यहाँ पर सेल डिवीजन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, फूड स्टोरिंग प्रोसेस बढ़ जाती है, या कह सकते हैं कि जो ओवरी बॉल है वो फ्रूट बॉल में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है। बिल्कुल, और जो कि सर ने कहा कि नेचुरली देखा जाए तो जब पोलन ग्रेन यहाँ पहुंचता है, पोलन ट्यूब जैसे ही बनती है, ऑक्सिन उसका डिफ्यूज होकर ओवरी बॉल में आ जाता है। बिल्कुल, तो वो एक नेचुरल प्रोसेस है, और आर्टिफिशियली हम लोग क्या करते हैं, एक्सटर्नल सरफेस से ऑक्सिन प्रोवाइड करते हैं। और ये भी आप जानते हैं कि ऑक्सिन जो होता है, मतलब आर्टिफिशियल ऑक्सीजन जो होता है उसका नॉन पोलर मूवमेंट होती है, और मतलब नेचुरल की पोलर होती है, इसलिए आप इसकी सरफेस पे स्प्रे करेंगे तो चारों तरफ से उसके अंदर डिफ्यूज। बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर पार्थेनोकार्पी। फर्स्ट देता है आपको फर्टिलाइजेशन, सेकंड देता है आपको पोलिनेशन, थर्ड देता है आपको पोलन ट्यूब फॉर्मेशन, और फोर्थ देता है नन ऑफ दीज। तो आपका आंसर पोलिनेशन जाना चाहिए। बहुत बढ़िया, एक अच्छा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट द न्यूसीलर सेल्स स्टार्ट डिवाइड एंड डेवलप इनटू द एम्ब्रियोस। यहाँ सर बड़ी इंटरेस्टिंग, आपने एपोमिक्सिस वाला सेगमेंट जी अपनी एनसीईआरटी में वहां पर ये बात लिखी गई। बिल्कुल बिल्कुल, और ये आ गया हमारे पास, मतलब ना एडवेंटिशियस एम्ब्रियो। बिल्कुल सर, तो उसी की बात मैं इसका एक डायग्राम एक्सप्लेन करूं तो बच्चों को बहुत अच्छा। काफी हद तक ये एक्सप्लेनेशन आ जाती है। ये सिट्रस का सर एम्ब्रियो हम इनको एक्सप्लेन करते हैं, तो यहाँ कहा गया है ये है ओव्यूल। अब इसमें यहाँ पर एम्ब्रियो सैक की भी सर पोजीशन है जी जी, है ना जी। अब ये अपना पोलर न्यूक्लियस हो गया, एंटीपोडल सेल हो गए, है ना। अब इन्होंने कहा है कि यहाँ पर जो न्यूसिलर सेल की प्रेजेंस है जी, ये न्यूसिलर सेल एक्चुअली ये दे आर टू एंड न्यूसिलस, दे आर टू एंड जी, दे कन्वर्ट इन टू एन एग विदाउट रिडक्शन डिविजन। ये एनसीईआरटी ने लिखा। बिल्कुल बिल्कुल, और फिर कहा है कि टू एन एग मॉडिफाई इन एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। अब ये अगर एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये एनसीईआरटी की लाइन है, तो ऑब्वियसली ये भी टू एन है जी, ठीक है। लेकिन इस प्रोसेस में ना तो रिडक्शन यानी कि मियोसिस हुई है जी, और ना ही यहाँ पर एक्चुअली फर्टिलाइजेशन सर प्रोसेस जी, हुई है जी। तो होता ये है कि जो यहाँ कहा जा रहा है कि न्यूसिलर सेल, न्यूसिलर सेल का मतलब ये न्यूसिलस की जो सेल है ये डिवाइड होना स्टार्ट होती है और अल्टीमेटली वो एम्ब्रियोज में कन्वर्ट हो जाती है जी। इस तरीके से एक न्यूसिलस डिवाइड हो सकती है, साइड में कोई दूसरी सेल भी डिवाइड हो सकती है, और इस तरीके से क्या होता है कि एक से ज्यादा न्यूसिलर सेल डिवाइड होकर ये एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर देते हैं। अब चूंकि यहाँ पर मोर देन वन एम्ब्रियोज बने हैं तो सर इसको पॉली एम्ब्रियोनी हम कह सकते हैं। अब यहाँ एक और बात करी गई है कि ये जो न्यूसिलर की सेल है जब एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो रही है
तो ये कभी कभी एम्ब्रियो सैक में पेनिट्रेट भी हो जाती है, ऐसा शब्द एनसीईआरटी ने यूज किया। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इस टाइप के ये डायग्राम आप जरूर याद रखें, एपोमिक्सिस में बाकायदा ये सारी प्रोसेस को। तो आंसर हमारा जॉन सर मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट इज, तो सर ये तीनों तरीके के एंडोस्पर्म है और ऑब्वियसली इन्हें हम कोकोनट के अंदर स्टडी करते हैं। बिल्कुल कर सकते, लेकिन सबसे पहला तो न्यूसिलर वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बनेगा, उसके बाद में हम हेलोबियल की बात करते हैं, फिर सेलुलर की बात करते हैं, है ना। तो एक कोकोनट में बात याद रखना कि कोकोनट का जो फ्रूट है उसमें जो लिक्विड एंडोस्पर्म है, जैसे हम नारियल पानी के फॉर्म में पीते हैं, एक्चुअली वो न्यूसिलर न्यूक्लियर। और फिर उसके बाद में जब ऐसा हम लोग देखते हैं कि जब नारियल को तोड़ते हैं तो उसमें पानी भी निकलता है और गिरी भी आती है, हाँ। तो उसमें सेलुलर और न्यूक्लियर दोनों प्रेजेंट, तो उसको हेलोबियल अपन कह सकते हैं। जी बिल्कुल। और एक होता है फाइनल मैच्योर जिसे अपन देखते हैं सेलुलर, वो सेलुलर होता है। जी बिल्कुल। तो कोकोनट फ्रूट में तीनों तरीके के एम्ब्रियोस हमें एंडोस्पर्म देखने को मिलते हैं। जो सबसे पहला होता है वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। सर इसमें एक शब्द और है वो सिंसाइडियम वाला, सिंसाइडियम मतलब मल्टीन्यूक्लियेटेड कंडीशन विदाउट साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, ओनली न्यूक्लियर डिवीजन प्रेजेंट हो तो हम सिंसिटियल वर्ड। बिल्कुल सर ये एनसीईआरटी ने टर्म यूज किया है। जी बिल्कुल। ये उसमें जब अपन साइटोलॉजी में साइटोकाइनेस पढ़ते हैं तब ये बात वहां पर ये टर्म यूज किया। बिल्कुल सर। तो इसका आंसर अपना फर्स्ट चला जाएगा। जी नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोस्पर्म परसिस्ट इन द मैच्योर सीड। ये बढ़िया एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है कि किस में एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, परसिस्टेंटली प्रेजेंट होगा, हमेशा के लिए मौजूद होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऑब्वियसली सर देखें तो ये पहला जो अपना क्वेश्चन था उसी से कुछ कुछ रिलेट कर रहा है ये। तो यहाँ पी मतलब फाबेसी फैमिली का मेंबर है, ग्रामनेट फाबेसी का मेंबर है, बीन भी फाबेसी का मेंबर है, तो यहाँ तो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड हो गया। अब इसके अंदर है कैस्टर में एंडोस्पर्मिक सीड। बिल्कुल, डाइकोट का एक एक्सेप्शन जिसे आपको एनी टाइम याद रखना है। बिल्कुल बिल्कुल। कैस्टर के अंदर जो है डाइकोट है उसके बावजूद भी एंडोस्पर्म प्रेजेंट, और ऑर्किड मोनोकोट है उसके बावजूद भी एंडोस्पर्म एब्सेंट होता है। बिल्कुल सर। तो व्हाट अ लेटर। तो उसके अंदर ऑर्किड को आपको याद रखना मोनोकोट के अंदर एक्सेप्शन, क्योंकि मोस्ट ऑफ मोनोकोट्स जो है दे आर एंडोस्पर्म, और ऑर्किड नॉन एंडोस्पर्मिक, और मोस्ट ऑफ डाइकोट्स आर एंडोस्पर्मिक, बट सोलोनेसी लिलियेसी आपके पास कुकुरबिटेसी और कैस्टर, ये कैसे हो गए एंडोस्पर्म। मतलब लिलियेसी तो सर मोनोकोट का, मोनोकोट हां, लेकिन सोलोनेसी और अपनी वो अच्छा उसमें भी है सर कंपोजिट कंपोजिटिव फैमिली, वहां पर भी वहां तो कंपोजिटिव बोल दो चाहे आप उसको जो है ना। सही सही। एस्टरेसी बोल। बिल्कुल सर कंपोजिट। ठीक ठीक सर। नेक्स्ट है द जायगोट गिव राइज टू द एंड सबसिक्वेंट टू द ग्लोबुलर पार्ट शेप एंड मैच्योर एम्ब्रियो। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब डबल फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है तो उस टाइम जो जायगोट है वो सबसे पहले क्या बनाएगा, उसके बाद में इसका फॉर्मेशन किस डायरेक्शन में। हाँ, तो इसको सिक्वेंशियली जरा सा देख सकते हैं हम लोग। हाँ, यहाँ पर एक टॉर्पीडो शब्द लिखा है, ये एनसीईआरटी में नहीं है, नहीं है, है ना। हाँ, तो ये थोड़ा सा बात हो जाए। टॉर्पीडो एक्चुअली एक मछली होती है सर। हाँ, तो उसकी टॉर्पीडो जो होती है ना शेप आगे से थोड़ी सी इलेक्ट्रिक फिश के नाम से जानी जाती है। बिल्कुल। तो उसमें क्या होता है कि जो जायगोट है ये ट्रांसवर डिवीजन करेगा, और ट्रांसवर डिवीजन करने के बाद में एक होस्टोरिया और ये सस्पेंसर का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, और उसमें नीचे की जो सेल होती है वो एम्ब्रियोनल सेल होती है सर, है ना। तो ये एक सेल से इसका फॉर्मेशन होता है, और एक सेल ये एम्ब्रियोनल सेल का फॉर्मेशन कराती है। जी एम्ब्रियो नल सेल।
अब यहाँ एक और इंटरेस्टिंग चीज है जो थोड़ा बियॉन्ड द एनसीईआरटी सर जी, कि यहाँ कहा जाता है कि ये जो डेवलपमेंट है एंजियोस्पर्म में वो मीरोब्लास्टिक टाइप का है। हाँ, मतलब एक होता है होलोब्लास्टिक और एक होता है मीरोब्लास्टिक। एक सिंगल सेल यदि पार्टिसिपेट करे या कुछ पार्ट करे तो मीरो और होल करे तो मतलब ये कि कंप्लीट जायगोट अगर एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है तो होलोब्लास्टिक और उसका एक छोटा सा पार्ट होता है। हाँ, छोटा 25% या आपका 50% अगर ऐसा होता है जी, तो वो मीरोब्लास्टिक डेवलपमेंट कहलाता है। तो इसमें भी हम देख रहे हैं कि 50% जो सेल है आधी वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो गई जी जी, मीरोब्लास्टिक हो गया, मीरोब्लास्टिक डेवलपमेंट हो गया। अब यहाँ से इसमें 8 cell stage बनती है, पहले 4 cell देन 8 cell stage बनती है और 8 cell से ही यहाँ पर फिर पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाता है और इससे सबसे पहले यहाँ पर ग्लोबुलर ग्लोबुलर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है जी बिल्कुल। ग्लोबुलर के बाद में यहाँ पर जो शेप आती है वो टॉर्पिडो शेप आती है जी बिल्कुल, है ना, फिर हार्ट शेप आती है जी 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 जी। तो टॉर्पिडो में थोड़ा सा स्लाइटली ये इस टाइप का शेप आता है इस एम्ब्रियो का ऐसा बिल्कुल, ये टॉर्पिडो शेप हो जाता है और फिर उसके बाद में ये टिपिकल हार्ट से हो जाता हमें देखने को मिलता है। इसमें थोड़ा सा स्लाइटली कर्व आता है, इसमें हार्ट शेप आ जाता है और फिर फाइनली वो एम्ब्रियो जो है 2 cotyledon कंटेनिंग कन्वर्ट हो जाता है कुछ इस तरीके से। और बाकी जो ऑस्टोरिया है वो यहाँ नजर आते हैं जी जी। तो ये जो है ये खास शब्द है टॉर्पिडो से जी, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें सर ये प्रो एम्ब्रियो आंसर चला जाएगा क्योंकि एंडोस्पर्म का कोई कंसेप्ट है नहीं जी। तो सबसे पहले जायगोट गिव राइज टू, देखिए इसने यहाँ पे गोलाकार दे दी, आई मीन राउंडेड दे दी और उसके बाद हार्ट शेप दे दी। तो राउंडेड से राउंडेड जो है वो क्या होगा टॉर्पिडो से पहले आता है बिल्कुल, तो इसलिए हमें प्रो से स्टार्ट करना बिल्कुल प्रो एम्ब्रियो, यानी कि जो इनिशियल स्टेज है वो प्रो एम्ब्रियो कहलाती है, जो 8 cell stage है हम उसे प्रो एम्ब्रियो कहते हैं बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद बिल्कुल सर थर्ड आंसर इसका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कॉटिलेडन इज, तो ये आपने सर उसमें मॉर्फोलॉजी वाले हिस्से में उसका एक डायग्राम दिया है जी, उस ग्राम जी यानी कि चने के बीज का डायग्राम जी, तो वो कुछ ऐसा है। तो ये जो डायग्राम ये दे रहे हैं ये कॉटिलेडन हो, ये कॉटिलेडन का डायग्राम है जी। अब कॉटिलेडन के जस्ट ऊपर या जस्ट इस साइड में होता है वो तो एपिकोटाइल हो जाएगा, एपिकोटाइल और लोअर हाइपो, और लोअर साइड में जो है वो हाइपोकोटाइल हो जाएगा बिल्कुल, तो ये आप हमेशा याद रखें। अच्छा, इसके बाद में ये रेडिकल और ये ऊपर और ये अपना प्लीम्यूल रीजन हो जाएगा और इसी से कहीं ना कहीं शूट बनेगा, इससे रूट सिस्टम बनेगा। तो बस आंसर चला जाएगा, वही चीज हो रही है कि एम्ब्रियोनल, अच्छा ये जो पूरी एक्सिस होती है ये एम्ब्रियोनल एक्सिस कहलाती है जी जी जी। तो इसमें अबव द लेवल कॉटिलेडन, कॉटिलेडन के ठीक ऊपर के जो लेवल है वहां क्या है, तो वो एक्चुअली हाइपोकोटाइल रीजन। पेरिस्पर्म इज डिजनरेट पार्ट ऑफ सिनर्सिस सर, नो सर, ना पेरिफेरल पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म, नो सर, तो ये तो एलोडॉन के रेस्पेक्ट में हो जाएगा। डिजनरेट पार्ट ऑफ द सेकेंडरी न्यूक्लियस, नो, ये भी नहीं है। रिमेंस ऑफ न्यूसिलस, आप ये कह सकते हैं कि परसिस्टेंट न्यूसिलस इज कॉल्ड पेरिस्पर्म, या आप ये दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं रिमिनेंट न्यूसिलस इन सीड इज कॉल्ड पेरिस्पर्म। और इसके एग्जांपल्स भी दोस्तों आपको याद रखने, बीट रूट है, ब्लैक पेपर है, बिल्कुल ये अपनी एनसीईआरटी में जी बिल्कुल दे रहे हैं। तो आपको ध्यान, फोर्थ आंसर हो जाता है। अच्छा सर, यहाँ एक और क्वेश्चन है, कहा ही जाता है ये क्वेश्चन पहले आता था कि विच इज एडिबल पार्ट ऑफ ब्लैक पेपर, तो उसमें ये परसिस्टेंट न्यूसिलस ही आता है, यहाँ पेरिस्पर्म आंसर रखा जाता है जी बिल्कुल, और बीट रूट के रेफरेंस में भी यही बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
नेक्स्ट है ए प्लांट ब्रीडर एम्प्लॉय टेक्निक्स ऑफ एमस्कुलेशन। एमस्कुलेशन ये कब करेंगे? टू कवर द फ्लावर विथ ए बैग टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन टू प्रिवेंट स्टेमेन फ्रॉम बीइंग कंटामिनेटेड टू प्रोड्यूस फीमेल प्लांट। सर तो हमारे पास बात आ रही है एमस्कुलेशन की, मींस हमें केवल और केवल रिमूविंग करनी है किसकी? स्टैमेंस की। और स्टैमेन की रिमूविंग हम लोग की किसके लिए कर सकते हैं? डायरेक्ट जो है हमारे पास, मतलब हम प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन के लिए भी कर सकते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो जाए, लेकिन इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, जो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस हैं उनमें एक प्लांट को मेल और एक को फीमेल कंसीडर करते हैं। तो जॉन साहब मेरे अनुसार इसका आंसर फोर्थ होना चाहिए, टू प्रोड्यूस फीमेल प्लांट, ये डायरेक्ट मीन है इसका। बिल्कुल, अदरवाइज सेकंड भी ऑप्शन सही है, नहीं सेकंड भी इसका सही है, लेकिन ये कह रहा है कि किसके लिए यूज की जाती है? तो फीमेल प्लांट प्रोड्यूस करने के लिए। फीमेल, सही सर, तो फीमेल को बढ़ाने के। एक्चुअली सर का कहना ये है कि जो बाइसेक्सुअल जो फ्लावर्स होते हैं उनको यूनि में कन्वर्ट करना, से उसको यूनिसेक्सुअल फ्लावर में कन्वर्ट करना, सेलेक्शन करना जरूरी होगा। तो वन टाइम आप उसके मेल की तरह और सेकंड टाइम, इसमें इन्होंने प्रोड्यूस वर्ड यूज किया और वो भी प्लांट के लिए यूज किया। सो आंसर सेकंड ही जाएगा। अच्छा सेकंड, हां हमने प्लांट थोड़ी प्रोड्यूस करेंगे, हमने फ्लावर का सेक्स चेंज किया। ये देखिए इन्होंने यहाँ पर प्रोड्यूस टर्म दे दिया सर, बिल्कुल तो इसकी वजह से सॉरी नो, तो थोड़ा सा सेकंड आंसर चला जाएगा। क्योंकि एक्चुअली क्या है कि ये कंडीशन होती है कब, जब जो बड कंडीशन हो, हाँ जी उसमें है ना, उसी कंडीशन हमें, हमने प्लांट को प्रोड्यूस नहीं किया इसमें, हमने फ्लावर का ओनली सेक्स चेंज किया। बिल्कुल सर, हमने उसको यूनिसेक्सुअल किया, बाइसेक्सुअल। बिल्कुल, टू प्रोड्यूस फीमेल प्लांट नहीं बना, हाँ फीमेल प्लांट, मतलब उस फ्लावर को फीमेल फ्लावर में कन्वर्ट किया है। तो ये प्लांट नहीं करते तब तो ये ठीक, हाँ ऐसा होता, टू मेक फीमेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर तो करेक्ट है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। नेक्स्ट है विच ऑफ द सीक्वेंस ऑफ करेक्ट फॉर द एम्ब्रियोजेनेसिस इन डाइकॉट। डाइकॉट में एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान जो करेक्ट सीक्वेंस है, अभी अभी अपन ने स्टार्ट किया था, मींस जायगोट है, जायगोट के बाद में ग्लोबुलर आ सकता है, प्रो एम्ब्रियो, लेकिन इन्होंने यहाँ ले लिया है क्योंकि प्रो एम्ब्रियो की लोकेशन इससे आगे होना चाहिए। अच्छा ये हार्ट शेप से ही स्टार्ट करते हैं, ऑब्वियसली ये हार्ट शेप तो लास्ट होती है, लास्ट से फर्स्ट उससे पहले मान सकते हो, मतलब उसके बाद तो एम्ब्रियो डेवलप हो ही जाता है, हम लोग इसको लास्ट स्टेज, हां लास्ट स्टेज कह सकते हैं। जायगोट, देन प्रो एम्ब्रियो, देन हार्ट शेप, ग्लोबुलर आना चाहिए। तो ये सर सही हो जाएगा, प्रो एम्ब्रियो, ग्लोबुलर, हार्ट शेप है, मैच्योर। जैसा कि अभी जो आंसर ने आपको डायग्राम बना के बताया था, ये उसी का पार्ट है, उसको हमने वहां डिस्कस कर लिया था। तो अब आप बिल्कुल, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक्चुअली एनसीईआरटी बेस्ड चीजों को ही फॉलो कर रहे हैं। ये बात सही है कि एक ही क्वेश्चन को दो अलग अलग तरीके से भी फ्रेम किया जा रहा है, क्योंकि हम लोग इसमें 5 एपिसोड बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चीजें तो वही बार बार घूम जाती है और कंसेप्ट वही आते हैं। ऑल्दो इन द मोस्ट ऑफ द स्पीसीज फ्रूट आर रिजल्ट ऑफ द फर्टिलाइजेशन, there are a few species in which fruit develop without fertilization process is known as। तो मतलब ये है कि fertilization जब होता है actually तभी fruit का formation होता है, जैसा कि अभी हमने discuss किया था जी। लेकिन कुछ में क्या होता है कि fertilization हो नहीं रहा, without fertilization process ही fruit formation हो रहा है। फ्रूट फॉर्मेशन के लिए हम लोग पार्थिनोजेनेसिस को यूज करेंगे, क्योंकि इसमें शब्द काफी है, जैसे पार्थिनोजेनेसिस है, पार्थिनोजेनेसिस में एम्ब्रियो फॉर्मेशन, एम्ब्रियो फॉर्मेशन फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग, अनफर्टिलाइज्ड एग, एम्फीमिक्सिस मींस फर्टिलाइजेशन हो चुका, बिल्कुल, और एपोमिक्सिस हालांकि इसी का पार्ट है, लेकिन हमें तो डायरेक्ट फ्रूट की बात करनी है। बिल्कुल, सो फर्स्ट आंसर, बिल्कुल। How many given fruits are included as pseudo fruits? है ना?
तो फॉल्स फ्रूट का जिक्र एनसीईआरटी ने किया भी है ना। हाँ जी, और इस पर अच्छे खासे क्वेश्चन भी बन रहे हैं, मॉर्फो में भी बनते हैं, एम्ब्रियो में भी बनते हैं, एम्ब्रियो में बनते हैं जी बिल्कुल। तो ये सेगमेंट इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि इसका कनेक्शन एम्ब्रियोलॉजी से भी है जी जी जी, और इसमें अच्छे खासे क्वेश्चन बन जाते हैं जी। तो कहने का मतलब ये होता है कि इसकी जो डेफिनेशन होती है स्यूडो फ्रूट्स की वो ये है कि फॉर्मेशन ऑफ अ फ्रूट फ्रॉम एनी अदर पार्ट ऑफ प्लांट एक्सेप्ट ओवरी बॉल। ओवरी बॉल से ना बने वो, फिर कहीं से भी बन जाए जी जी जी, तो चाहे हेलिक्स से पार्टिसिपेट करे, चाहे थैलेमस करे, एनी वन। इवन यहाँ सर ये भी कहा गया है कि ये इन्फ्लोरेसेंस से भी बन सकता। हाँ, मलबरी में होता है। हाँ हाँ, मलबरी में जिन्हें साइकनस और सोरोसस फ्रूट के नाम से जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, दो में डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे साइकोनस तो हाइपेंथोडियम से डेवलप होगा, हाइपेंथोडियम से बड़ा, और ये उससे अच्छा कैटकिन से डेवलप होगा, फिग फ्रूट के लिए बड़ा अच्छा ये क्वेश्चन बन जाता है ना। तो पाइनएप्पल जी, पाइनएप्पल में एक्चुअली सर जो क्या वो है स्पाइकलेट, स्पाइकलेट पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस ही फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ स्पाइकलेट जो इन्फ्लोरेसेंस है वो पूरा का पूरा एक्चुअली फ्रूट में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए स्यूडो फ्रूट की कैटेगरी में आएगा जी। लीची में सर जो एरिल पार्ट है वो उसमें कन्वर्ट हो रहा है, एडिबल पार्ट बना रहा है ना। मकोई ट्रू फ्रूट हो जाएगा, ये तो सोलानेसी को बिलोंग कर रहा है। अच्छा धतूरा ये सोलानेसी का ट्रू है, ये अपने इसमें नहीं रखे थे। हाँ, स्ट्रॉबेरी जरूर फॉल्स है, अब फॉल्स स्यूडो फ्रूट है क्योंकि सर यहाँ पर कैटकिन पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस ही फ्रूट में कन्वर्ट हो रहा है। तो पियर भी है, पियर पियर में थैलेमस, थैलेमस से कन्वर्ट हो रहा है पियर। एप्पल ऐसे क्वेश्चन एक दो और भी आएंगे आपके। तो कहने का मतलब ये वो पाइनएप्पल हो जाता है यहाँ, लीची हो जाता है, स्ट्रॉबेरी एंड पियर, तो इसमें चार हो जाते हैं। अपना सेकंड आंसर चला चल आ चल। अगला क्वेश्चन है सर, कैस्टर सीड कंटेन ए कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस बाई आउट ग्रोथ ऑफ इंटेग्यूमेंट। ये बड़ी अच्छी बात कही गई है जी। कहा जाता है कि कैस्टर का जो सीड होता है उसमें माइक्रोपाइलर एंड पर जो इंटेग्यूमेंट है उसकी आउट ग्रोथ से कैप लाइक स्ट्रक्चर बन जाता जी, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो कैप लाइक स्ट्रक्चर क्यों बना इसकी बड़ी खास बात है। अच्छा, कैरंकल के लिए एक और खास बात है कि कैरंकल की लोकेशन पोजिशन सिर्फ एक ही सीड में होती है, वो ये कहीं ना कहीं कैस्टर, ये स्पेसिफाई करेक्टर है इसका। अच्छा, एनसीईआरटी ने इसका डायग्राम भी दे रखा है, उसमें भी ये चीज दिखा रखी है, ये कैप लाइक स्ट्रक्चर है, यही है कैरंकल जी, ये कैरंकल स्ट्रक्चर है जी। ये हाइग्रोस्कोपिक सर नेचर का होता है, और इसके लिए कहा जाता है कि ये दो बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि ये एक तो वाटर एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करने के बाद में सीड को इनर सरफेस पर प्रोवाइड करता है जिससे उसके जर्मिनेशन की प्रोसेस पॉसिबल हो जी। बिल्कुल सर, मैंने इसको इसे भी पढ़ा था कि ये जो कैरंकल है इसमें एडिबल सब्सटेंस है, तो ये दो बड़े अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं कि कैरंकल सीड डिस्पर्सल में भी हेल्प करता है और प्लस वाटर को एब्जॉर्ब करने में भी इसमें जी हेल्प। दरअसल जो आंसर मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे कि जो कैस्टर होता है इसका स्टोर्ड फूड जो है ऑयल होता है, बिल्कुल सर, और कैस्टर ऑयल जो होता है ना उस इंसेक्ट रिपेलेंट होता है, बिल्कुल सर। तो जबकि इसके सीड का डिस्पर्सन इंसेक्ट आई मीन जो चींटियों के थ्रू होता है कर रहा है, ठीक है। तो चींटियां इसको घसीट ले जाती हैं। अब आपको पता है कि चींटियां इसके ऑयल को तो यूज में लेंगी नहीं, लेकिन क्योंकि वो इस स्टार्ची मैटर इसको इसमें स्टार्च होता है, उस स्टार्ची मैटर को खाने के लिए वो इसको अवे फ्रॉम प्लांट ले जाती है, बिल्कुल सर। इससे सीड डिस्पर्सन भी हो जाता है, बिल्कुल। प्लस जैसा कि चौहान ने बताया कि ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, बिल्कुल, और ऑयल हाइड्रोफोबिक होता है, बिल्कुल सर। तो इसको मतलब ना सीड जर्मिनेशन के लिए वाटर को रिक्वायरमेंट, हाँ वो कौन पूरी करेगा, तो वो ये वाला करेगा। सीड जर्मिनेशन और सीड डिस्पर्सन मेरे विचार से दोनों बहुत अच्छे काम, बिल्कुल सर, बहुत अच्छा कांसेप्ट आप सर ने दिया है। तो जाहिर सी बात है कि देखो यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये सर ने एक्सप्लेन की है कि चूंकि इसमें ऑयल की फिलिंग है और ऑयल कहीं ना कहीं आपका जो वाटर है उसे सीधे सीधे अब्सॉर्ब नहीं कर पाता, तो सीड जर्मिनेशन वाटर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कौन करेगा, तो उसके लिए कैरंकल इसके लिए जी जनरेट किया गया। तो फर्स्ट आंसर तो सर इसका फर्स्ट आंसर चलिए ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी अच्छा है, स्यूडो फ्रूट से रिलेटेड क्वेश्चन है जी बिल्कुल। तो फिग फ्रूट डेवलप फ्रॉम हाइपेंथोडियम इन प्रोसेस जी, है ना, बिल्कुल सही है, बिल्कुल जो अभी आपने बोला भी था पिछले क्वेश्चन में। पाइनएप्पल डेवलप फ्रॉम द कोरियम इन प्रोसेस, कोरियम में नहीं होता, कोरियम में नहीं होता, पाइनएप्पल एक्चुअली स्पाइक लेट से इन से बनता है। तो ये गलत हो रहा है और ये सही हो रहा है। तो इसका एक बार कई बच्चे हैं सर, हो सकता है फिग फ्रूट को वो हाइपेंथोडियम प्रोसेस को थोड़ा सा इसमें समझ लें। तो यहाँ कहा जाता है कि हाइपेंथोडियम का मतलब है, जैसे अगर तुम लोगों ने नहीं देखा है तो बरगद का जो फ्रूट है सर, वो भी उसमें भी पीपल का है, उसमें भी हाइपेंथोडियम है। बिल्कुल है। वैसे आपके जो सिलेबस में है वो तो फिग अंजीर का डायग्राम भी दिया है, बिल्कुल बिल्कुल, ये अपने म्यूचुअलिज्म में भी दिया है, इकोलॉजी में भी दिया है, तो वहां दिया है, तो उस रेस्पेक्ट में ये काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आखिर फिग फ्रूट कैसे बना। तो कहा जाता है कि इसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, यहाँ मेल होते हैं, यहाँ स्टराइल होते हैं, और लोअर सरफेस पर इसमें मेल फ्लावर होते हैं। तो ये तो हो गए मेल, और इसमें यहाँ लोअर मोस्ट सरफेस पर फीमेल, और ये बीच में स्टराइल के लिए कहा जाता है। और फिर यहाँ से सर कहा, इसमें एक्सप्लेन किया जाता है कि इंसेक्ट की एंट्री होती है इस जगह से जी। और ये इंसेक्ट कहीं ना कहीं एग को एग लेआउट करते हैं, प्लस अपने एम्ब्रियो को फर्दर डेवलपमेंट भी शो कराते हैं, यहाँ से एडिबल फ्रूट भी ऑब्टेन करते हैं जी जी। तो ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है ये डेवलप हो जाता है फ्रूट में, तो हाइपेंथोडियम में। हाँ, तो ये हाइपेंथोडियम प्रोसेस इस टाइप से होता है। तो फर्स्ट आंसर चला जाता है सर, इसमें ए इज राइट, बी इज रॉन्ग, ठीक है। तो ये फर्स्ट राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग कॉलम फर्स्ट एंड सेकेंड, है ना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है जी, सर जी, जी। ये ठीक सीड कोर्ट पर अभी रिसेंटली क्वेश्चन भी लगा जी बिल्कुल। तो मोनोकोट सीड में एनसीईआरटी ने लिख रखा है, एनसीईआरटी को लाइन को आप समझोगे तो कहा जाता है मोनोकोट का जो सीड कोट होता है वो पतला होता है जी, और डाइकोट का जो सीड कोट है वो थिक होता है, थिक होता है। अच्छा, अब मोनोकॉट सीड में एक तो एपिब्लास्ट का कंसेप्ट हमने देखा था जी बिल्कुल, क्योंकि मोनोकॉट के सीड में जो है वहां पर ये वेस्टिजियल फॉर्म माना जाता है कि जी बिल्कुल, है ना, तो ये डाइकॉट से मोनोकॉट के ओरिजिन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। बिल्कुल। टू कॉटिलेडन सर, ये डाइकॉट के लिए, ये डाइकॉट के रेस्पेक्ट में चला जाएगा जो है ना, ये आ गया थिक क्यूटिकल भी आपका इसके सीड कोट सर। अच्छा, इसको चलाम भी अपना ए के लिए चला जाएगा, फोर्थ आ जाएगा। हाँ, तो अपना इसमें देखा जाए तो इसमें ए के अंदर आ रहे हैं अपना फर्स्ट एंड फोर्थ, तो ए में सर फर्स्ट एंड फोर्थ ये बिल्कुल, तो अपना ये सेकंड आंसर चला जाए, बिल्कुल करेक्ट सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ल्यूपिनस प्लांट represent about 10,000 years viability in their seeds, they are found in NCRT की लाइन। बिल्कुल जी, NCRT की लाइन है, और वहां लिखा है कि ये ल्यूपिनस प्लांट टुंड्रा एरिया में पाए जाते हैं जी बिल्कुल, टुंड्रा वेजिटेशन। हाँ, टुंड्रा वेजिटेशन। तो यहाँ सर एक इंटरेस्टिंग चीज है जो मेरे दिमाग में हमेशा आती है और बच्चों से डिस्कस भी करना चाहिए कि टुंड्रा वेजिटेशन को पहले पढ़ाया जाता था कि ये ट्रीलेस वेजिटेशन है जी, जी, जी। और ट्रीलेस वेजिटेशन का मतलब है कि ये हाई एल्टीट्यूड पर पाई जाने वाली वेजिटेशन है, और वहां ज्यादा स्नो फॉलिंग होती है, और मैक्सिमम टाइम तक वहां पर बर्फ की ही पोजीशन रहती है, स्नो पोजीशन रहती है जी, जी। तो इसमें आप देखिए कि 10,000 साल तक ये सीड वहाँ सर्वाइव, मतलब वाइवल कंडीशन में पड़ा रहता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये बर्फ के अंदर कहीं लोकेट होता होगा जी, जी, और फिर उसको लो टेम्परेचर में क्या होता है वो क्रायो प्रिजर्वेशन वाली कंडीशन में चला जाता होगा, फिर कभी जब क्लाइमेटिक चेंजेस आते हैं तो वो बर्फ मेल्ट होती होगी, तब ये बाहर निकल बाहर आता होगा, यानी कि तब तक ये उस एरिया में
इतने टाइम तक प्रोटेक्टेड फॉर्म में है, मिल जाता है। मेरे हिसाब से अगर दूसरे एरिया में इसकी पोजीशन होती तो सर इतना ये सर्वाइव नहीं कर, ये सर्वाइव नहीं कर, क्योंकि ये माइक्रोब्स इसे डिग्रेड कर देते हैं, या फिर इसका स्टोर्ड फूड जो है वो कंज्यूम हो चुका, वो कंज्यूम हो चुका होता है, क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन तो करता ही सीए, है ना। तो डेजर्ट में तो नहीं रह सकता, टेम्परेट में भी नहीं रह सकता, और ट्रॉपिकल, ये तीनों मतलब ये दोनों कंडीशन तो सीड जर्मिनेशन के लिए सुटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो इतना डोरमेंट लंबे ड्यूरेशन तक नहीं रह सकता। तो याद रखना कि टुंड्रा वेजिटेशन में ही ये संभावना है कि लॉन्ग टाइम तक वो प्रिजर्व रह सकता है जी, क्योंकि वहां क्लाइमेटिक कंडीशन के लिए फेवरेबल जी। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डाइकॉट एम्ब्रियो सस्पेंसर सेल अंडरगोस ट्रांसफर डिवीजन फॉर्मिंग सस्पेंसर व्हिच इज, अब इसमें कहा गया है कि जो सस्पेंसर जो सेल्स होती हैं एक्चुअली उनकी संख्या यहाँ कितनी मानी जाए। तो सस्पेंसर में कहा गया है 6 to 9, 1 to 4 एंड 11 to 15। ये तो नहीं है सर, बिलो 10 होती है जी, बिल्कुल। हाँ तो 1 to 4 तो बहुत कम हो जाएगी, ये नंबर सर बिल्कुल चल सकता है, बिल्कुल 6 to 9, क्योंकि 10th जो लास्ट सेल है इट कन्वर्ट इनटू होस्टोरिया, बिल्कुल। तो आप ये मान सर सर सर, तो फर्स्ट आंसर इसका चला जाता है, और बढ़िया है। एनसीईआरटी में डायग्राम में भी आपको ये दीवार दिखाई गई है। ये सर बड़ा अल्टीमेट क्वेश्चन लगता जी, है जी, जी, जी। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है जी, और सभी स्टूडेंट खासतौर से ध्यान दें इस डायग्राम पर। ये डायग्राम की लेबलिंग भी एनसीईआरटी में अच्छी खासी है सर, बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा, इस पर रिसेंटली कोई क्वेश्चन भी नहीं बना जी, तो मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले जो एग्जाम है उसमें डेफिनेट इस पर क्वेश्चन मिल सकता है ना। सबसे पहले तो ये समझ लो कि अपनी एनसीईआरटी में भी लिख लेना कि ये अनियन सीड है, अनियन सीड का डायग्राम है जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जो कि लिलियसी फैमिली का मेंबर है, मोनोकोटोमा। और इंटरेस्टिंग चीज एक और है यहाँ पर कि लिलियसी में, अनियन में एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं। अब यहाँ एंडोस्पर्म एक्चुअली कई बच्चे अगर ध्यान से ना देखें तो एंडोस्पर्म ही नहीं समझ सकते कि है कहाँ पर, सही है। तो एक्चुअली जो सी पार्ट है ये एंडोस्पर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है जी, तो एंडोस्पर्म देखिएगा थोड़ा काफी लिमिटेड पार्ट में है, तो आंसर ने आपको बहुत एक अच्छी बात बताई है कि मतलब इसकी पोजीशन हम लोग जो है ना और आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये देखिएगा कि हमने अब तक जितने मोनोकोट सीड्स देखे हैं उसमें, एग्जांपल यदि हम लोग वीट सीड को देखें तो कुछ इस तरीके से नजर आता है, ये वाला जो पार्ट है हमारे पास ये एंडोस्पर्म है, साफ सुथरा नजर आता है। हाँ तो हमें पता है इस चीज का, इसका हमें पता है कि ये एल्यूरोन लेयर है, ये हमें पता है कि ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, बट इसके अंदर जो है काफी कॉम्प्लिकेसी है, और इसमें कोई अच्छा ये पूरा एम्ब्रियो जी, ये एम्ब्रियो का साइज देखा जाए तो यहाँ ज्यादा है कंपेयर टू अदर मोनोकोट्स, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ने और देखने की जरूरत है, ये कभी भी सामने क्वेश्चन बन के आ सकता है। तो बी हो गया तो आंसर एम्ब्रियो, बिल्कुल सर बिल्कुल। ये सी आपने एंडोस्पर्म बताया, तो कहने का मतलब ये हो जाएगा कि अच्छा कॉटिलेडन फिर नहीं हो सकता, तो अपना ये सीधा सीधा आंसर सर जी चला जाए, इजी गोइंग है आपके लिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, 100% आप इसको दिमाग में रखें जी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लीड टू, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है ना। देखो छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन काफी अच्छी इंफॉर्मेशन आपके सामने देता है। मैं तो समझता हूँ कि जो आंसर इसने बहुत ही लॉजिक अपने अंदर समेट रखा है, छोटा सा क्वेश्चन होते हुए, बिल्कुल। कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है, कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है। आप देखो कि वैसे तो आंसर इसका सीधा सर रिकॉम्बिनेशन चला जाएगा, यही जाता है ना, यही जाता। लेकिन अपन पार्थिनोजेनेसिस की बात करें तो यहाँ क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रही जी, बिल्कुल, और इस वजह से ये कभी भी नहीं जा सकता। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन में हम गैमेट फ्यूजन हर हाल में रखेंगे, बिल्कुल सर, तो एपोमिक्स इसमें वो नहीं होता, बिल्कुल सर, तो इसलिए हम लोग फर्स्ट ही लें। मतलब ये है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो मेन थ्री इवेंट्स होती हैं, गैमेट फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन एंड मियोसिस जी, तो इन दोनों ही पार्ट में ये प्रोसेस संभव नहीं है। और रिकॉम्बिनेशन में आप अच्छी तरह जानते हो कि एक गैमेट एक पेरेंट से, दूसरा गैमेट दूसरे पेरेंट से आता है, फ्यूज होता है, तो रिकॉम्बिनेंट कंडीशन आता है
बिल्कुल सर, एपोमिक्सिस में गैमेट तो बन जाएंगे लेकिन वो बिना मियोसिस के बनेंगे, बिना मियोसिस के बनेंगे और अदरवाइज मियोसिस के भी बने तो विदाउट फ्यूजन फर्टिलाइजेशन नहीं, हाँ विदाउट फ्यूजन वो एम्ब्रियो में डेवलप हो जाते हैं। बिल्कुल सर, तो फर्स्ट आंसर चला जा सर। नेक्स्ट है द पोम फ्रूट इज सैड टू बी फॉल्स फ्रूट। जी पोम में जैसे एप्पल है, पियर है, पियर है, ये आ जाएंगे है ना। तो इसमें थैलेमस से डेवलप होते हैं। द पेरिकार्प इज इनकॉन्स्पिक्यूअस, द एंडोकार्प इज स्टोनी, द एडिबल पार्ट ऑफ फ्रूट इज फ्लैसी थैलेमस। तो बिल्कुल ये एनसीईआरटी ने डायग्राम भी हमें दिखा रखी है, एप्पल का एक्सप्लेन किया है, तो उसके रेस्पेक्ट भी ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, डायग्राम भी वहाँ पर अपनी एनसीईआरटी ने दे रखे हैं। थैलेमस ही यहाँ पर सब फ्रूट में जो एडिबल पार्ट है उसको जनरेट कर। तो थर्ड आंसर सर, एपोमिक्सिस में यूजफुल इन प्लांट कैसे, ये बढ़िया क्वेश्चन है एनसीईआरटी से। Prevent segregation of characters in hybrid progeny, ये तो काफी हद तक सही है सर, है ना। Help in production of pure line progeny by sexual reproduction करके इन्होंने इसको गलत कर दिया है ना। It required more than one parental plants और रिप्रोडक्शन प्रोसेस, ये भी गलत हो गया सर जी, है ना। तो कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर एनसीईआरटी ने बड़ा अच्छा एपोमिक्सिस में, एपोमिक्सिस में एनसीईआरटी को अगर देखा जाए तो वहाँ दो पैराग्राफ हैं सर जी, उसमें पहला पैराग्राफ तो पूरी एपोमिक्सिस प्रोसेस को एक्सप्लेन कर रहा है जी, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन जो सेकंड पैराग्राफ है वो किसानों की एक प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहा है जी जी जी, वो ये कह रहा है कि नो डाउट हाइब्रिड सीड का जब अपन कल्टीवेशन कराते हैं तो एक्सेस अमाउंट में प्रोडक्शन की ग्रोथ भी होती है, प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि उन्हें हर साल प्रोड्यूस करना पड़ता है, हर साल हाइब्रिड सीड ही उसमें खेत में यूज करने पड़ते हैं जी जी जी। तो उसकी वजह वहां बताई है क्योंकि हाइब्रिड सीड अगर एक साल आपने उगा लिए हैं तो उनका जो प्रोडक्शन है या प्रोडक्ट बना है या सीड बने हैं उन्हें आप नेक्स्ट ईयर खेतों में नहीं उगा सकते। उसका रीजन सिंपल सा ये है कि एक जो आंसर कि वो अपनी अपनी हेटेरोजाइगोसिटी को लॉस्ट कर देते हैं। बिल्कुल, जैसे मान लीजिए आपके पास ये कैपिटल टी स्मॉल टी था, हाइब्रिड था, आई मीन हेटेरोजाइगस प्लांट है, ये अब हमारे पास हाइब्रिड हो गया, अब नेक्स्ट टर्न पे इसने जो गैमेट बनाए वो कैपिटल टी स्मॉल टी बनाए। बिल्कुल, अब हो सकता है कि इसका कॉम्बिनेशन जो है मतलब स्मॉल टी से भी हो सकता है और कैपिटल सी से भी हो सकता है, तो हमारे पास मतलब हेटेरोजाइगोसिटी कहाँ बची। बिल्कुल सर, इसलिए मतलब जो हाइब्रिड सीड है उनको एवरी ईयर प्रिपेयर करना पड़ता है, प्रिपेयर करना पड़ता है, अदरवाइज उनकी हेटेरोजाइगोसिटी लॉस्ट हो जाती है। बिल्कुल, तो यहाँ एनसीईआरटी ने उस पैराग्राफ में ये कहा है कि मतलब उसने एनसीईआरटी ने जो सीधे टर्मिनोलॉजी यूज की है वो ये है कि हाइब्रिड सीड का जो कैरेक्टर है एक्चुअली वो सेग्रीगेट हो जाता है जी जी जी, और सेग्रीगेट होने की वजह से जो उसकी क्वालिटी थी, क्वांटिटी थी, जो प्रोडक्टिविटी थी वो अफेक्टेड हो जाती है, तो यानी कि उतना आपको प्रोडक्शन उस क्वालिटी का नहीं मिल सकता। बिल्कुल, फिर उस एनसीईआरटी में आगे की लाइनों में ये बात कही है कि एपोमिक्टिक प्रोसेस इज कंट्रोल्ड बाई जेनेटिक कॉम्बिनेशन या जेनेटिक कॉन्फ़िगरेशन जी जी जी, तो कहा जाता है कि अगर हम हाइब्रिड सीड में कहीं एपोमिक्टिक जीन को अप्लाई कर दें तो एपोमिक्टिक जो सीड बनेंगे वो एक्चुअली उनमें सेग्रीगेशन होते ही नहीं है, नहीं तो मतलब हेटेरोजाइगोसिटी मेंटेन रहेगी और वो कैरेक्टर बने रहेंगे। बिल्कुल, तो उस वजह से किसानों को जो महंगे बीज खरीदने पड़ते हैं वो नहीं पड़ेंगे, उसमें राहत मिल सकती है और वो लंबे समय तक उन सीड को एज ए प्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं। बिल्कुल सर, इन द एम्ब्रियोस ऑफ ए टिपिकल डाइकॉट एंड ग्रासेस ट्रू होमोलोगस स्ट्रक्चर है सर। अच्छा, टिपिकल डाइकॉट और ग्रास दोनों मतलब डाइकॉट में, अच्छा होमोलोगस होमोलोगस की बात करिए तो ओरिजिन सिमिलर होना चाहिए, मतलब ओरिजिन सिमिलर होना चाहिए, फंक्शन चलो एक बार वेरिएबल हो जाए चलेगा है ना। पोलियोराइजर क्लियोटाइल तो मिलते ही नहीं डाइकॉट में, बिल्कुल सर, और है ना क्लियोटाइल एंड स्कूटेलम बोथ आर पार्ट ऑफ मोनोकोट ना कि डाइकोट। हाँ सर,
थर्ड बोला कोटिलीडन एंड स्कोटेलम, ये हो जाएगा इसमें इसका फंक्शन ये क्या कर रहा है भाई, ये भी तो ये कोटिलीडन है, ये भी कोटिलीडन है, और इनिशियली डाइकोट सीड जब जर्मिनेट होगा तो ये फूड अवेलेबल करवाएगा, और ये भी हार्ड आंसर। मतलब ये है कि ओरिजिन तो ना एक्चुअली स्कोटेलम टर्म है, लेकिन एक्चुअली ये कोटिलीडन का ही सिनोनिम है, और मोनोपोड्स के लिए ही यूज मिलता है, मोनोपोड के लिए ही यूज होता है। तो आपको primarily dicot then grass देखना। बिल्कुल बिल्कुल, तो बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग इसको दिमाग में रखें। नेक्स्ट है, which of the following is not essential for an organism survival but for the survival of a species? कौन सी चीज ऑर्गेनिज्म के लिए जरूरी है सर्वाइवल के लिए? सेलुलर रेस्पिरेशन, रिस्पॉन्सिवनेस, न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन। इन्होंने किसी ऑर्गेनिज्म के लिए बात कहा है कि सर्वाइवल के लिए एसेंशियल है किसी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए, लेकिन उसकी जो है ना स्पीसीज के लिए नहीं। तो क्या हम क्या सोचेंगे इसके बारे में? नॉट एसेंशियल ऑफ फॉर एन ऑर्गेनिज्म सर्वाइवल, है ना, बट फॉर द सर्वाइवल ऑफ ए स्पीसी। तो सर रिप्रोडक्शन, क्योंकि जरूरी नहीं है कि रिप्रोडक्शन करेगा तभी वो लिविंग रहेगा। जी जी जी, क्योंकि एक्चुअली एनसीईआरटी ने कहा है कि रिप्रोडक्शन इज नॉट इंक्लूडेड एज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग्स। बिल्कुल सही, है ना, जबकि सेलुलर है तो सेल के बिना तो लिविंग सर्वाइव ही नहीं हो सकता सर। आप ये जानते हो कि स्पीसीज के लिए ये जरूरी, और स्पीसीज के लिए जरूरी, सीधी बात यही तो कही गई है कि रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी टू मेंटेन डाइवर्सिटी ऑफ नेचर, बिल्कुल, और मेंटेन स्टेबिलिटी ऑफ ए स्पीसीज इन नेचर, है ना, इट हेल्प टू रिप्लेस दोज ऑर्गेनिज्म विच आर लॉस्ट बाय डेथ इन पॉपुलेशन और इन ए कम्युनिटी। अगर एक कम्युनिटी और पॉपुलेशन में से एक स्पीसीज डिजनरेट हो रही है क्योंकि मौत हो रही है, तो उसकी जगह तो ब्लैंक हो गई, वो नंबर तो कम हो रहे हैं, उन नंबर को मेंटेन करने के लिए आप रिप्रोडक्शन करना। बहुत ही चौहान ने बहुत अच्छी बात बताई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि किसी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए जरूरी नहीं है कि वो लिविंग मतलब वो रिप्रोडक्शन करे या ना करे। जैसे म्यूल है आपके पास, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल है, हनीबीज है, तो वो नहीं होते, लेकिन किसी स्पीसीज की सर्वाइवल के लिए वो ये प्रोसेस एसेंशियल है। अदरवाइज वो यदि वो कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस ना करे तो आने वाले टाइम में और वो यहाँ से डिसअपीयर हो जाएगा। बिल्कुल सर, क्योंकि उसकी वो जो डिक्लाइन एसिंग सो होगी वहाँ पर। तो आंसर हमारा अच्छा, रिस्पॉन्सिवनेस भी किसी के लिए सर्वाइवल जरूरी है। हाँ, ये जरूरी तो है, लेकिन स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए इसका कोई रोल नहीं, कोई रोल नहीं है। और ये वाला प्रोसेस भी सर किसी ऑर्गेनिज्म के लिए जरूरी है, ये ऑर्गेनिज्म के लिए जरूरी है, ये ऑर्गेनिज्म के लिए जरूरी है, हाँ, बट स्पीसीज की बात हम कर रहे हैं, हमने ऑर्गेनिज्म के लिए तो ये कहा कि जरूरी नहीं है। बिल्कुल सर, तो इसलिए हमारा फोर्थ आंसर चला। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सेलेक्ट राइट स्टेटमेंट फॉर द एपोमिक्सिस प्रोसेस। एपोमिक्सिस प्रोसेस के लिए सही क्या है? It is a sexual reproduction to produce zygote. ठीक है। It represent mimic process of sexual reproduction, but it is a इसने apomixis के लिए बोला था sir। Apomixis के लिए है sir। तो ये तो sexual reproduction के लिए अलग चीज हो जाएगी। सर ये बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन, बिल्कुल, है ना। देखिए फर्स्ट में इन्होंने कहा कि इट इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू प्रोड्यूस जायगोट, तो फिर आप उसको एपोमिक्सिस क्यों बोलोगे? हां, तो ये एपोमिक्सिस के रेस्पेक्ट में बात है। हां, तो इसलिए ये तो हुआ नहीं। हां, तो उसके रेस्पेक्ट में गलत हो गया, अदरवाइज सेंटेंस सही है। सेंटेंस तो सही है, पर एपोमिक्सिस से हम बात कर रहे हैं। सही सही, एपोमिटिक सीड मे नॉट रिड्यूस प्राइस ऑफ सीड फॉर एग्रीकल्चर। अभी अभी हमारी इस बात पे डिस्कशन हुआ है, चल रही थी कि वो करेंगे, करेंगे तो क्या होगा, प्राइस रिड्यूस हो जाएंगी, नहीं तो हमें हर साल बहुत ज्यादा पे करना पड़ता है सीड की किसानों को। एपोमिक्सिस इज ए यूनिक कैरेक्टर ऑफ एंजियोस्पर्म एंड टेरिडोफाइट में सीड ही नहीं बनते सर, तो एपोमिक्सिस की कहां जरूरत पड़ेगी? तो हमारा सेकंड आंसर चला जाए। और सर यूनिक भी नहीं है, सबके लिए तो है नहीं ये। जी जी, तो इसलिए भी नेक्स्ट आप पास चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइब्रिड सीड हैव टू बी प्रोड्यूस एवरी ईयर बिकॉज़,
ये उसी का डिस्कशन का दो क्वेश्चन है। हाँ, दूसरा क्वेश्चन आ गया। दूसरा क्वेश्चन है हाइब्रिड प्लांट बिकम स्टराइल इन कमिंग ईयर, ऐसा तो नहीं होता, लेकिन उनकी क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी कम होता कम हो जाती है। दे सो मोर हाइब्रिड विगर, नो ये तो हो जाता तो और अच्छा हो जाता अच्छे हाइब्रिड विगर का मतलब है कि जो नई प्रोजेनी आ रही है उसमें पेरेंटल जो करेक्टर है उससे बेटर करेक्टर है। हाँ, वो हाइब्रिड विगर को शो करता है। हाइब्रिड विगर इज नॉट मेंटेन्ड बियॉन्ड वंस जनरेशन एज जनरेशन ऑफ जीन्स, है ना। तो ये कहीं ना कहीं सही हो रहा है। हाइब्रिड सीड्स इंडस्ट्री टेंड टू इंक्रीज कॉस्ट ऑफ द सीड्स, ये भी नहीं, थर्ड आंसर चला जाता है। अभी हमारी बात हुई थी कि हाइब्रिड विगर मेंटेन नहीं रह पाता और उसकी वजह से उसकी वजह है सेग्रीगेशन। ठीक है, तो करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल। A pair of plants represent same edible part. ये फिर से NCERT के हिसाब से आपके नीट के ट्रेंड के हिसाब से ये क्वेश्चन बढ़िया है। लीची सब ये टर्शियरी टेगमेंट है। हाँ, पीयर में थैलेमस है, थैलेमस है। एप्पल एंड पीयर में दोनों में थैलेमस है सर, तो ये आंसर अपना जहाँ जा रहा है। कोकोनट में एडिबल पार्ट अपना एंडोस्पर्म है, मैंगो में मेजोकार्प है और ग्रेप्स कंप्लीट फ्रूट। तो ये हाँ, ये दोनों जो तीन ऑप्शन है उनमें अलग अलग शो हो रहा है, लेकिन एप्पल और पियर ये स्यूडो फ्रूट है, ये दो बोथ आर डेवलप फ्रॉम थैलेमस रीजन ऑफ फ्लावर। सर ये भी अच्छा क्वेश्चन है जी, बिल्कुल। मोनोथिकस कंडीशन, मोनोथिकस एंथर्स आर फाउंड इन प्लांट, ये मालवेसी का यूनिक, बिल्कुल मैं बिल्कुल है, इसीलिए तो वो किडनी शार्क हो जाता है। बिल्कुल, देखिए हमारे पास ये इस तरीके की स्ट्रक्चर है ऐसी, ठीक है, इस तरीके की। हाँ हाँ, अब हमने यदि इस वाले पार्ट को रिमूव कर दिया, हाँ हाँ, तो ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला जो हिस्सा है इस तरीके का हो जाएगा। बिल्कुल, और इससे जो है तो फिलामेंट ऐसे अराइज हो जाएगा, तो बिल्कुल किडनी शार्क नजर आता है। तो आप चाइना रोज में इसको इजीली देख सकते। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सर का कहना है कि मोनोथिकस जो करेक्टर है वो मालवेसी फैमिली का है, कैरेक्टरिस्टिक मींस ये चाइना रोज में आप स्टडी कर सकते हो। हिबिस्कस फर्स्ट आंसर, हिबिस्कस चाइना, हिबिस्कस रोजस साइनेंस, हिबिस्कस रोजस साइनेंस इसका पूरा नाम है। अच्छा, रोज इनमें सब में डायथिकस कंडीशन होगी तो अपन इनको इंक्लूड नहीं करेंगे। सर पार्थेनोजेनेसिस इज डिफाइंड एज द डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली फ्रॉम एग विदाउट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, सिनर्जिक विदाउट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस फ्रूट। ओब्वियसली सर, ये एग विदाउट फर्टिलाइज अनफर्टिलाइज्ड एग से ही हम लोग जो है ना एम्ब्रियो की फॉर्मेशन कर सकते जी। तो ये इसका राइट आंसर है जो हमने डिस्कस कर लिया था, ये पहले भी किया है। और ये वहाँ पर अगर सही रूप में एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ देखना चाहते हो तो सेक्स डिटरमिनेशन इन हनी बी जी, वहाँ पर जो ड्रोन बनाया गया है मेल, तो उसमें ये बात क्लियर कट कही गई है कि मेल हनी बी या ड्रोन डायरेक्टली प्रोड्यूस फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड है। बिल्कुल, है ना। तो उस प्रोसेस को पार्थेनोजेनेसिस जी जी जी, पार्थेनो मतलब तो ये सही है। Which of the following statement are right for monocot embryo? Monocot embryo क्या सही है? In the grasses family, cotyledon is called scotinum, सर सही है? Correct, बिल्कुल सही है। अच्छा, a sheath of radicle is called coleocotyl, ये तो गलत होगा, कोलियोराइजा होगा जी, है ना। और उसके बाद में एपिब्लास्ट इज प्रेजेंट इन मोनोकॉट एम्ब्रियो, सर बिल्कुल, सेकंड कॉटिलेडन रिड्यूस्ड या वेस्टिजियल सेकंड डायकॉट में तो ये है ही नहीं। हाँ, तो ये भी सही हो जाता है। मैच्योर एम्ब्रियो बिकम हार्ट शेप, ये रॉन्ग है, हां मोनोकॉट के रहते हैं। हां मोनोकॉट, सर हां, तो ये बात सही है, मोनोकॉट की बात हो रही है। हां, तो इसका मतलब है ए एंड सी सर, फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही है इसका। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक डायरेक्टली फ्रॉम एन डिप्लॉइड सेल ऑफ द स्पोरोफाइट एक्सेप्ट मेगास्पोर मदर सेल,
विदाउट मियोसिस नॉन एज, तो सर वो एपोस्पोरी, क्योंकि देखो अगर यहाँ यहाँ कह दिया जाता है कि वो जो मेगास्पोर मदर से है वो अगर डेवलप होती है तो डिप्लोस्पोरी में चला जाएगा, लेकिन ये एपोस्पोरी जी। तो सर इसमें जैसे कहा जाता है, एक बार फिर से वही सिट्रस वाले सेगमेंट में जाना पड़ेगा जी इस चीज को समझने के लिए। तो कहा जाता है कि जो एम्ब्रियो सैक था यहाँ पर, चलो ये बन गया है, और फिर यहाँ पर कहीं ना कहीं ये न्यूसीलस सेल है, और ये न्यूसीलस सेल अगर यहाँ कन्वर्ट हो जाती हैं टू एन एग में, टू एन एग में ये कन्वर्ट हो जाती हैं विदाउट रिडक्शन डिवीजन, है ना सर जी। अब ये जो फॉर्मेशन हो जाता है जी, ये एम्ब्रियो में कन्वर्जन हो जाता है जी, और इसके लिए क्या है विदाउट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जी। तो एनसीईआरटी ने क्लियर कट कह रखा है कि फॉर्मेशन ऑफ टू एन एग विदाउट रिडक्शन डिवीजन एंड इट प्रोड्यूस टू एन एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जी जी जी। तो सर ये सीधे सीधे एपोस्पोरी को ही रिप्रेजेंट करता है क्योंकि ये न्यूसीलस स्पोरोफाइट है जी जी, और ये गैमेटोफाइट है जी जी। तो स्पोरोफाइट से टू एन एग का बनना ही एक्चुअली एपोस्पोरी कहलाती है, बिल्कुल सही। और दूसरा हम लोग देखें यदि आपके पास है मतलब एग सेल के अलावा अदर कोई सेल एम्ब्रियो फॉर्मेशन करे तो हम लोग उसके लिए एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी वर्ड यूज करते हैं, तो वो तो कंडीशन है इसके बाद की। हमें तो डायरेक्ट हमें ये बात करनी है कि एम्ब्रियो सेक बनाना ना कि एम्ब्रियो, एम्ब्रियो बनाते हैं तो आंसर आता हमारा फोर्थ और हम स्पोर बना रहे हैं तो आंसर आता है सेक, बिल्कुल सर। अच्छा यहाँ एपोगेमी की भी एक बार बात हो जाए सर, जैसे यहाँ तीन शब्द होते हैं बेसिकली एपोमिक्सिस में, हम पढ़ते हैं एक तो एपोस्पोरी है, एक है एपोगेमी और एक पार्थिनोजेनेसिस। तो पार्थिनोजेनेसिस अब ये होता है कि जो फीमेल पार्ट होता है उसमें उसमें देखा जाए एम्ब्रियो सैक के अंदर, तो यहाँ एग है ये सिनर्जेट है, तो कहा जाता है कि अगर ये एम्ब्रियो को बनाता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, एग बनाता है, ये सेंट्रल में एग है, तो इस प्रोसेस को तो सर अपन कह देंगे पार्थिनोजेनेसिस जेनेसिस, बिल्कुल जेनेसिस जी, पार्थिनोजेनेसिस है ना, ये कह दिया। लेकिन सर कहा गया है कि अगर सिनर्जिट एम्ब्रियो को बना देती है जी, और वो एम्ब्रियो अभी एन ही होगा, यहाँ इंटरेस्टिंग चीज है, और विदाउट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगा, तो ये जो प्रोसेस सर कही गई है इन्होंने इन्होंने कहा कि ये एपोगेमी कंसीडर हो जाए। सर देखो कितनी अच्छी बात बता दी आपको कि एपोगेमी और पार्थिनोजेनेसिस में क्या डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस है, बेसिक, हां बेसिक डिफरेंस क्या सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइड बाय साइड व्हिच विद द डेवलपमेंट ऑफ द एंडोस्पर्म द जायगोट फॉर्म्स, जायगोट, जायगोट जो है वो मेनली क्या बनाता है एम्ब्रियो, बिल्कुल सर, और एम्ब्रियो के ही पार्ट हो गए सीड कोट, बिल्कुल, तो टेस्टा जो है वो तो ओव्यूल के कवर हो जाएंगे, बिल्कुल सर, और सीड मतलब ना कवर प्लस एम्ब्रियो दोनों को मिला के कहें, तो हमें तो केवल और केवल जायगोट की बात करनी है, तो आंसर हमारा एम्ब्रियो सेकंड चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए टिपिकल डाइकोटिलेडोनस एम्ब्रियो ऑफ एन, ए क्या है एक्सिस एंड बी कोटिलेडन, द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कोटिलेडन इज विच टर्मिनेट्स विद द डी और स्टेम टिप, तो यहाँ कहीं ना कहीं सर वही एम्ब्रियोनल एक्सिस है और मोनोकॉट के रेस्पेक्ट में ये बात कर रहे हैं जी, है ना, क्योंकि जो सूट का अपेक्स है उसे पॉलीपटाइल कवर करेगा जी, रेडिकल के नीचे जो हिस्सा है वो पॉलीराइजा हो जाएगा, तो सर इन्होंने जो ऑप्शंस दिए हैं वो हमें दिए हैं केवल डाइकोट के रेफरेंस में। अच्छा सर, तो हम लोग डाइकोट के रेफरेंस में, तो डाइकोट के रेफरेंस में अगर ऑप्शन है तो उसके अकॉर्डिंग अपन बात करते हैं, तो इसमें सर कैसे अपन हमने ये देखा ये डाइकोट का ये तो प्लूमुल हो गए
ये रेडिकल हो गया, ठीक है, और ये वाला इसके कोटिलेडन्स हो गए, तो ये वाला हिस्सा तो कोटिलेडन हो गया, ये एपिकोटाइल, ये प्लूमूल, ये हाइपोकोटाइल, और ये रेडिकल। तो इस एवज में हमें इसका आंसर देंगे। तो सर ए टिपिकल डाइकोटिलेडनस एम्ब्रियो ऑफ ए एक्सिस एंड बी कोटिलेडन। तो ए एक्सिस पर बोला इन्होंने, तो एम्ब्रियोनल एक्सिस हो गया, और बी कोटिलेडन क्या है, तो टू कोटिलेडन्स हो गए। बिल्कुल सर। और इसके बाद इन्होंने अगला दिया है कौन सा, द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कोटिलेडन एपिकोटल और लोअर पार्ट हाइपोकोटाइल। तो एम्ब्रियोनल एक्सिस और बी था हमारा टू और सी था हमारा एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल। तो हमारा कौन सा चला जाता है, सेकंड आंसर चला जाता है डी एपिकोटाइल प्लूमूल एपिसोड। अच्छा अच्छा डी उसने दे दिया था। हाँ तो हाइपोकोटाइल कौन से ने दे दिया फिर। भाई एक तो एम्ब्रियोनल एक्सिस हो गए, तो अपन देखेंगे नहीं तो डी नहीं नहीं यहाँ ये कह रहे हैं ना डी स्टेम को बनाएगा, ठीक है, तो प्लूमूल आ गया, प्लूमूल आ जाएगा। हाँ तो सेकंड आंसर चला, सेकंड आंसर सर। If an egg cell in apospheric embryo sac is diploid, it develops directly into the diploid embryo without fertilization. Sir, this process is known as. तो ये क्या कहलाएगा सर, एग से एम्ब्रियो बन रहा है, अभी अभी अपन ने बात apospheric है ना। हाँ apospheric है। हाँ तो ये parthenogenesis में चला गया। जी बिल्कुल है ना जी। तो ये नेक्स्ट पेरिस्पर्मिस ये वो दोबारा एक बार हाँ, हाँ तो ये रिपीट हो दो तरीके से। हाँ तो ये रुमिनेंट न्यूसिलस इसका आंसर आ जाएगा। ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स शो द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना। फिर ये कंसीडर द अबव गिवन स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट ऑप्शन है ना, इनके लिए करेक्ट को समझना। All flowering plants show sexual reproduction, sir. No. The end product of the sexual reproduction is fruit and seed in all group of plants. No. All group of plants, right? Sirf angiosperm plants ki baat hogi, hai na? So in angiosperm, fruit and seeds are the final product of sexual. ठीक है sir? है ना? हाँ. क्योंकि angiosperm में ये दोनों हैं. AC correct है? तो ए एंड सी करेक्ट व्हाइल बी इज इनकरेक्ट है ना सर। नेक्स्ट है मैच द फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप कॉलम को करना है करेक्ट जी। अच्छा है फेनिकल ओव्यूल से रिलेटेड क्वेश्चन है जी। फेनिकल अपन एक बार इसका कॉन्सेप्ट डायग्राम बना देते हैं। ये हो गया हमारा ओव्यूल, ठीक है। मैं क्या मोस्टली वो ही बनाता हूँ, ये वाला एनाट्रोपस एनाट्रोपस बोलते हैं इसको। तो ये वाली कंडीशन, ये वाला जो पार्ट हो गया ये हाइलम, हाइलम हो गया ठीक है बिल्कुल। ये वाला फ्यूनिकल हो गया बिल्कुल सर। ये आपके पास आउटर इंटेग्यूमेंट और ये इनर इंटेग्यूमेंट बिल्कुल सर ठीक है। तो फ्यूनिकल ये स्टॉक ऑफ ओव्यूल हो जाएगा सर, इंटेग्यूमेंट इसकी कवरिंग हो गई, प्रोटेक्टिव एनवेलप्स है ना, तो ये इसके साथ आ जाएगा। चेलाजा पोस्टीरियर पार्ट हो गया बिल्कुल सर। तो जंक्शन पार्ट ऑफ ओव्यूल एंड स्टॉक, ये तो रिस्पेक्ट में जा रहा है, और बेसल पार्ट चला जाएगा, बेसल पार्ट चला जाएगा, और फिर ये माइक्रोपाइल स्मॉल ओपनिंग होगी, स्मॉल ओपनिंग हो जाएगी। तो आप इसको मैच कर फर्स्ट में बी क्या होगा। हां ये हो गया। तो फर्स्ट में बी है ना सर। अच्छा फर्स्ट में बी था। अच्छा हाइलम जैसे जंक्शन, तो फोर्थ में डी, फोर्थ में डी, तो फर्स्ट में अपना क्या आ रहा था स्टॉक बी। हाँ तो बी का मतलब है कि आपको ये हो सकता है ना, तीन हो गए आपके, ये आ गया प्रोटेक्टिव लेयर। आप अपन ऐसे रख देते हैं ना, फर्स्ट के साथ में लगा देते हैं हम लोग बी, बी और सेकंड के साथ हम लोग सी लगा देते हैं, थर्ड के साथ हमारा क्या आ गया, थर्ड में ये चेलाजा बेसल ई, और फोर्थ में हमारा आ रहा है आपका जंक्शन मतलब डी है ना। हाँ बिल्कुल। और फिफ्थ में आ रहा है वन ए, तो बी सी ई डी ए, बी सी डी ई ए, सी कहाँ चला गया, नहीं सी तो इसमें आएगी, बी आपके पास ये रहा, सी ए आ रहा और ये ई आ रहा,
ये DR है, ये AR है, फर्स्ट तो है सही। तो इस तरीके से युवा हमारा कंप्लीट जी। तो ठीक है, ये हमारा फोर्थ जो एपिसोड था एम्ब्रियोलॉजी का, यानी कि रिप्रोडक्शन फ्लावर प्लांट का, वो कंप्लीट हुआ जी। अब हम अगला जो एपिसोड है सर, एक बार फिर से ओवरऑल एम्ब्रियोलॉजी का कंबाइंड लेंगे, कंबाइंड लेंगे। और तो हम ये सोचते हैं कि अभी तक हमने एनसीईआरटी को फॉलो किया है, तो नेक्स्ट में हम ये चाह रहे हैं कि आपको थोड़े से कुछ कंसेप्चुअल जो है पार्ट दिया जाए। बिल्कुल सर, तो हो सकता है कि अगला एपिसोड हमारा लॉन्ग भी हो और साथ साथ में कंसेप्ट वाइज वाइज हो, क्योंकि अभी हमने टोटली 100% एनसीईआरटी को फॉलो किया था जी, है ना। तो अगले जो एपिसोड है उसमें ओवरऑल एक बार फिर से एम्ब्रियोलॉजी पूरी की पूरी हम ले लेंगे जी, और उसमें एक जो बच गए हैं कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं उनको यूज में लेके आपके लिए बेहतरीन एपिसोड बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें। ओके सर, थैंक यू।